ग्वालियर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित राजीव आवास योजना की मल्टी के पास एक शिव मंदिर पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब स्थानीय लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। स्थानीय लोगों ने देखा कि शिवलिंग को किसी ने ईंट और सीमेंट से चुनवा दिया है। इसके साथ ही रेलिंग में कट के साथ साथ बाहर से ताला लगा दिया गया है, जिसके बाद वहां तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। यहां जांच की तो पता लगा कि राजीव आवास में रहने वाली एक 45 साल की महिला कृष्णा, विमला और सरिता अग्रवाल महिलाओं ने ये शिवलिंग को सीमेंट से चुनवा दिया है। इसके बाद पुलिस जब महिलाओं के घर पहुंची तो दो महिलाएं कृष्णा और विमला पुलिस को मिली गईं, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेकर पहुंची। पकड़ी गई महिला कृष्णा और विमला ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस तरह शिवलिंग को ईंट और सीमेंट से चुनवा दिया है। महिला ने उसका कारण भी बताया कि अंदर शिवलिंग बड़ा हो रहा है। पुलिस ने पूछा कि अंदर शिवलिंग कैसे बड़ा हो रहा है। इस पर महिला ने बताया कि उसे रात को शिवजी ने सपना दिया था। सपने में कहा था कि मेरी पिंडी को बड़ा करना है, इसके लिए उसे ढक दिया जाए। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर दो महिलाओं की हिरासत में लेकर नोटिस पर छोड़ दिया है, जबकि एक महिला सरिता अग्रवाल अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई है। चलो आ जाओ, ठीक है ठीक है। लाल बल्टी जो राजीव आवास बिहार में नया बनी हुई है, पुराने वहाँ पर एक टीन शेड में शिव मंदिर बना हुआ है ओपन। वहीं उसी मल्टी की कुछ कृष्णा छत्रवाल और विमला और सरिता नाम की तीन महिला पूजा वहीं पूजा करती थी। उनके द्वारा आज एक दो शिवलिंग थे वहाँ पर, दोनों शिवलिंगों को एक के ऊपर एक रख के एक नए शिवलिंग का निर्माण कर दिया उन्होंने। जब लोगों को सुबह मालूम पड़ा तो लोगों ने फिर पुलिस को खबर की, हम लोग गए वहाँ पर, मौका देखा और वापस उसको जो पुराने स्वरूप में थे उसमें वापस करवाया। और इनकी जो महिलाएं इनके द्वारा जो किया गया उनके खिलाफ़ अपराध पंजीकृत किया है। वजह क्या बता रहे, क्यों किया? वजह अब दो तरह की वजह है। एक तो ये कहते हैं कि जो पुरानी एक मूर्ति थी खंडित थी, वो इन्होंने उसको मतलब ठंडा नहीं किया था, सिराया नहीं था पानी में, तो इस कारण से किया। दूसरा बताते हैं कि मुझे रात्रि में भगवान शिव भगवान ने मुझे दर्शन दिए और ऐसा करने के लिए बोला। तो इस संबंध में भी देख रहे हैं कि वास्तव में क्या उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इस बारे में भी जांच कर रहे हैं। जी किसी को लिया? नहीं, इसमें दो लोगों की दो गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले जमानती होने से उनको छोड़ दिया गया।